यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात बनने के बाद आज पहली बार दोनों दलों के बीच में बैठक होने वाली है, जिसमें आगे चुनाव की रणनीति क्या होगी और साथ ही साथ कैसे साझा रैलियों को किया जाएगा इस पर फैसला होगा। बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। पार्टी ने 80 कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है। दोनों के बीच सीट शेयरिंग भी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन अब तक कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच कोई बैठक नहीं हुई थी। सीट शेयरिंग के बाद आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक में दोनों पार्टियां चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगी। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में दोनों पार्टियों के नेताओं की पहली बैठक होगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने और चुनाव प्रचार करने पर चर्चा होगी। चुनावी प्रचार को धार देने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, इस पर दोनों दल के नेता मंथन करेंगे। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं की कहां-कहां साझा रैली होगी, इस पर भी विचार किया जाएगा। इस बैठक में हर लोकसभा सीट के लिए समन्वय समिति बनाने पर विचार किया जाएगा। सीट शेयरिंग के तहत समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 80 में से 17 सीटें दी हैं।